Welcome to the first episode of Just Law School Things at An Academy CLAT. I am Purva Chaudhary and aaj ke video mein hum discuss karenge what are some of the things that you should know before joining a law school. Right, bahut hi basic hai, bahut interesting hai and in depth hum aage aane wale episodes mein zarur discuss karenge. So let's get started. सबसे पहली चीज़ जो है, वेन एवर यू गिव लॉ एंट्रेंस एग्जाम लाइक क्लैट, एलएट, स्लैट, तो आप जाते हैं फॉर कोर्सेज लाइक बीएएलएलबी एंड बीबीएएलएलबी. बीए एंड बीबीए दोनों एलएलबी के साथ एक इंटीग्रेटेड कोर्स है. राइट, जैसे अगर आप 3 ईयर की अंडर ग्रेजुएट करें यूजी डिग्री प्लस फिर आप पीजी में लॉ करें तो क्या होता है, आपका 6 ईयर कोर्स रहता है. बट अमाउंटिंग टू दिस आपका 5 ईयर कोर्स हो जाता है. राइट, 2+3 फॉर योर बी ए बी बी ए अंडर ग्रेजुएशन एंड योर लॉ LLB. राइट, जिसमें आपका इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री हो जाती है. राइट, सो बी ए बी बी ए साथ में आपकी LLB डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स. सो बी ए और बी बी ए के स्टूडेंट्स के लिए शुरू के 2 ईयर्स में यू गो थ्रू सब्जेक्ट्स ऑफ दिस काइंड, जैसे आपका पॉलिटी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब आप पढ़ते हैं एंड देन कंप्लीटली एक शिफ्ट हो जाता है टू द लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स इन द 3rd ईयर. आगे चलते हैं. सो दिस वॉज अ वेरी बेसिक ओवरव्यू अबाउट द सिलेबस एंड डेफिनेटली चेक आउट द सिलेबस ऑफ विच एवर कॉलेज यू गेट इन टू. राइट, आगे चलते हैं. नाउ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लॉ स्कूल विल बी योर इंटर्नशिप्स. फर्स्ट ईयर में तो ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते इंटर्नशिप्स के लिए, लेकिन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर एन NGO इंटर्नशिप. हाउएवर आगे चलते चलते इट बिकम्स मैंडेटरी टू गो फॉर समर इंटर्नशिप्स, जो कि बाद में अगेन ड्यूरिंग योर वाइवा पूछा जाता है, आपकी रिपोर्ट ली जाती है एंड अ पर्टिकुलर सम ऑफ मार्क्स आर अलॉटेड टू योर इंटर्नशिप. सो डेफिनेटली काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स आपको करने को मिलती है. यू कैन स्टार्ट विद NGOs इन योर फर्स्ट ईयर एंड देन आप अगेन लीगल रिसर्च एंड राइटिंग से लेके लॉयर्स के साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में. यू कैन ऑल्सो इंटर्न विद फर्म्स एंड अंडर एंड यू कैन डू अ जुडिशियल इंटर्नशिप. राइट, सो काफ़ी सारे ऑप्शंस इसमें आपके पास रहते हैं. राइट, आगे चलते हैं. देन वी हैव अ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट PSDA यू कैन से, जिसमें आपकी राइटिंग स्किल्स, रिसर्च पेपर बनाना आपको डेफिनेटली आना चाहिए. एंड अनफॉर्चुनेटली जब आप लॉ स्कूल में जाते हैं तो कोई सिखाता नहीं है रिसर्च पेपर बनता कैसे है, लेकिन अगेन आप भी एक लॉयर बनने जा रहे हैं, सो औरों से देख देख के सीख सीख के आप जान जाते हैं. सो रिसर्च एक चीज़ जो एक बहुत बड़ा शिफ्ट रहेगा फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो आप स्कूल से कॉलेज में, एक लॉ स्कूल में जाएंगे, प्लेजरिज्म. यहाँ पे ऐसे नहीं होता है कि नेट से कॉपी पेस्ट किया और आपका रिसर्च पेपर डन है. नो, यू हैव टू राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज. देयर शुड बी जीरो प्लेजरिज्म. राइट, क्योंकि अगेन यूजिंग समवन एल्सेस कंटेंट इज इलीगल. राइट, सो प्लेजरिज्म बिल्कुल जीरो होना चाहिए. यू शुड रीड, यू शुड रेफर टू, यू कैन डेफिनेटली रेफर टू सोर्सेज एंड वो सोर्सेज भी आपकी इट कैन बी न्यूज़पेपर रीडिंग्स, आर्टिकल्स, अदर रिसर्च पेपर्स, अदर पब्लिश्ड वर्क, राइट, अदर वेबसाइट्स, तो वो सारा भी आपको रेफरेंस में डेफिनेटली देना पड़ता है. राइट, सो रेफरेंसेज में इवन यू कैन, यू हैव टू एड फुटनोट्स. राइट, एंड इनसे रेफर करके अपनी भाषा में यू हैव टू राइट द कॉन्टेंट. सो देयर शुड बी जीरो प्लेजरिज्म एंड ऑल्सो रिसर्च पेपर का पूरा आपका ILI फॉर्मेट की गाइडलाइंस होती हैं, क्या फॉन्ट होगा, क्या साइजिंग होगी, क्या पैराग्राफ स्पेसिंग होगी 1.5 लाइंस की. राइट, फुटनोट्स में आपका कितना अगेन साइजिंग होनी चाहिए, तो वो सारा ILI फॉर्मेट फॉलो होता है एंड उसके लिए भी यू जस्ट हैव टू सिंपली सर्च इट एंड उसके हिसाब से आप सारी ही जो साइटिंग्स होती है, फुटनोट्स होते हैं, वो करते हैं. राइट, सो और भी आपको जानने को मिलेगा रिसर्च पेपर के बारे में, आपका एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, हाइपोथेसिस. राइट, ये सारा यू लर्न विथ टाइम. फिर हमारे पास आता है वेरी इंटरेस्टिंग को करिकुलर एक्टिविटी. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने MUN किया होगा, राइट, मॉडल यूनाइटेड नेशंस. सिमिलरली लॉ स्कूल्स में यू हैव मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स, जो कि एक
रेप्लिका होता है ऑफ रियल कोर्ट प्रोसीडिंग्स, जहां पे यू एक्चुअली एक्ट लाइक लॉयर्स एंड आप पूरा जो प्रोसीडिंग्स है वो सीखते हैं एंड यू आर्ग्यू एज अ पेटिशनर और एज अ डिफेंडेंट. तो प्रॉपर इसमें आपको एक एक्चुअल रियल लाइफ कोर्ट की तरह सिखाया जाता है एंड दीज कॉम्पिटिशन्स आर क्वाइट इंटरेस्टिंग. अगेन इफ यू आर गुड एट इट, अगर आप अच्छी अगर आप ट्रायल्स में पास हो जाते हैं, यू कैन गो फॉर इंटरनेशनल मूट कोर्ट्स एंड वेरी प्रेस्टिजियस मूट कोर्ट्स एज वेल, राइट? सो दिस इज अनदर को करिकुलर एक्टिविटी विच इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु एम टू गेट इन टू लिटिगेशन, राइट? जिनको इंटरेस्ट है लिटिगेशन में, बिकॉज देर आर अगेन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वॉन्ट टू गो फॉर जुडिशरी और हु वॉन्ट टू गो इन टू कॉर्पोरेट लॉ, तो वो कम इंटरेस्टेड होते हैं इसमें. बट स्पेशली दोज हु आर एमिंग फॉर लिटिगेशन, दे आर क्वाइट एक्टिव इन मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आई थॉट वुड बी इम्पॉर्टेंट टू टेल यू. एंड अगर आप अभी किसी भी लॉ स्कूल को ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली बताइए आपको और कैसे टॉपिक्स पे जानकारी चाहिए, कैसी हेल्प चाहिए. आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर नाउ गोइंग इन टू देयर फर्स्ट ईयर एज लॉ स्टूडेंट्स. An Academy एक बहुत ही अच्छा ऑफर लाया है आप सभी के लिए. फॉर ऑल द क्लैड एस्पिरेंट्स, वी अश्योर यू दैट यू विल बी एबल टू क्लियर क्लैड एग्जाम विद An Academy. मतलब क्या है, अगर आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में NLU नहीं हासिल कर पाए तो आपको 1 ईयर फ्री एक्सटेंशन मिलेगा An Academy की सब्सक्रिप्शन का, राइट? सो अगर आपने लिया है एप्लीकेबल ऑन प्लस 12 मंथ्स एंड अबव सब्सक्रिप्शन एंड ऑल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज, अगर आपने 1 ईयर या उससे ज़्यादा का कोर्स लिया है ऑन An Academy फॉर क्लैट प्रेपरेशन, तो आप जिस भी एग्जाम के लिए एम कर रहे हैं, तो आप अगर क्लैट 2024 के लिए एम कर रहे हैं एंड वो क्रैक नहीं कर पाते, तो आपको क्लैट 2025 तक 1 ईयर एक्सटेंड हो जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन एंड 1 ईयर फ्री रहेगा. सो बेसिकली 2 ईयर सब्सक्रिप्शन मिलेगी, राइट? सो दिस इज द क्लैट अश्योर. क्लियर है? परफेक्ट. आगे देखते हैं. ऑल इंडिया क्लैट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट आ गया है. यू कैन विन फ्री स्कॉलरशिप्स वर्थ ₹1.25 करोड़, राइट? जून 18 को है, 2 PM. स्कैन करके सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. फ्री है. गो एंड एनालाइज, टेस्ट करो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको कौन से सेक्शंस में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है. क्लैट प्रिंटेड मॉक टेस्ट भी हम आपके घर तक पहुंचा सकते हैं. उसमें आपके सेक्शनल होंगे, 10 सेक्शनल मॉक टेस्ट एंड 10 फुल लेंथ प्रॉपर मॉक टेस्ट, राइट? सो सारी ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. जून 2023 का कैलेंडर देखिए, 4th, 11th, 18th, 25th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, सारे ही जो आपके मॉक टेस्ट्स हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं, राइट? सेक्शनल मॉक टेस्ट्स ये सारा प्लस में है. फ्री वाले केवल 2 हैं, 1 ऑन जून 4th एंड द अदर ऑन जून 18th. क्लियर है? दीज आर द फ्री वंस. आप जाके लिंक में देख सकते हैं इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. लेवल अप फॉर क्लैट जो फाउंडेशन बैच है सारे ही लॉ एंट्रेंसेस के लिए, वो जून 15th को शुरू हो रहा है, राइट? करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स सेशन बाय रघवेंद्र प्रताप सिंह सर से शुरुआत होगी. आप मेरा कोड लगा सकते हैं विच इज पूर्वा 2022, पूर्वा 2022, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट? सो दीज आर आर टॉप एजुकेटर्स जो आपको लेवल अप फॉर क्लैट में पढ़ाएंगे एज द फाउंडेशन बेसिक बैच. बिगिनर्स बैच फॉर क्लैट 2025 एस लीगल है, राइट? यहाँ पे भी वी हैव आर टॉप फैकल्टी स्टार्टिंग फ्रॉम जून 15th. तो अगेन यू कैन गो एंड चेक इट आउट यूजिंग द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. मेरा कोड लगा सकते हैं पूर्वा 2022. Then we have Mission Batch 2025 Integrated Batch. अगर आप बोर्ड्स के साथ साथ क्लैट की तैयारी करना चाहते हैं, आप ये नहीं चाहते कि आपकी क्लास 12th के बोर्ड्स भी सफ़र करें, आप दोनों डबल टारगेट रख के चल रहे हैं, तो इंटीग्रेटेड कोर्स है, राइट? अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम जून 17th इसकी शुरुआत होगी इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर ट्री सेशंस बाय पूजा मैम से. यू कैन यूज द कोड पूर्वा 2022 टू एनरोल फॉर द सेम. यू आर एट An Academy क्लैट. लेट्स क्रैक इट.